नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ के मावना थाना क्षेत्र के गांव भैंसा में हुई किसानों की महापंचायत में रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों का हनन हो रहा है। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। दिन दहाड़े हत्याएं, लूट, राहजनी, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो रही हैं। लेकिन इस सरकार में कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। यदि इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसका यह नहीं पता कि शाम को घर जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज, खाद्य सामानों पर महंगाई कर जनता का खून चूसने में लगी हुई है। तीन माह से किसान तीन काले कानून वापस करने को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन ना तो सरकार उनकी बात सुन रही है और न ही शहीदों को शहादत दे रही है। यह सरकार गूंगी बहरी सरकार है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। आगामी होने वाले ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देने का। उन्होंने किसानों से आगामी चुनाव में भाजपा को हराने की बात कही। बताती चली कि मावना थाना क्षेत्र के गांव भैंसा में किसानों की एक महापंचायत आयोजित की गई। पंचायत में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग सुरक्षित नहीं है। किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा। किसानों पर तीन काले कानून थोप कर उसकी कमर तोड़ने में लगी है। दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता की कमर टूट रही है। उन्होंने कहा कि आगामी होने वाले ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व विधानसभा चुनाव में इसका करारा जवाब दिया जाएगा। इनका पास गिर गया है, उसमें लाइसेंस है। खालिद खान, अगर इनका पर्स है स्टेज में दे दो। क्या देखा जाए, 2022 की तैयारी शुरू कर दी गई। मुझे भाई खालू क्या नाम है, आईडी पकड़ो। की भाषा बोलते हैं, दंगे का फायदा उठाते हैं, अब जनता उन्हें बाहर करा सकती है। चलिए भाई, आईडी पकड़ो। यहां का हस्तनापुर के विधायक हैं बीजेपी के, वो विवादों में एक वकील की आत्महत्या करा, विवादों में ही रहे। नेतृत्व में जो गुण होना चाहिए, जो संयम और धैर्य से काम करने की क्षमता होनी चाहिए, आलोचकों की बात सुनी जानी चाहिए, हर वर्ग को साथ लेके चलना चाहिए, उनमें से कोई भी गुण उनमें दिखाई नहीं कानून है, लेकिन व्यवस्था। देखिए, मेरा मानना यह है, ये महापंचायत राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से रखी गई है किसानों के हित में, क्योंकि किसान बहुत त्रस्त है, परेशान है, ना उसी को आवाज़ सुन रहा है। मौजूदा सरकार जो है हर तरह से जो है किसान को नुकसान पहुँचा रही है। हमारे चौधरी अजीत सिंह जी, जैन चौधरी जी पूरी तरह से किसानों के फेवर में पहले भी थे, आज भी हैं। मजदूर के हित में, सबके हित में वो काम करते हैं और उन्होंने इसीलिए इस पर महापंचायत का आयोजन किया, जिससे कि किसान भाइयों को राहत दिला सकें और उनकी कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई। इतने कई महीने से हर बॉर्डर पर दिल्ली जाते हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं, बहुत आत्महत्या कर चुके हैं, अपने आप से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। उनकी कोई सुनवाई कोई ये गवर्नमेंट नहीं कर रही। ये तीन कानून उन पर थोप दिए गए हैं जो बिल्कुल गलत हैं। इनको सरकार को अब वापस लेना चाहिए, और नहीं तो इन्हें हमारे चौधरी साहब से बात करके, किसानों के जो नेता हैं उनसे बात करके कहीं ना कहीं समस्या का समाधान को करना चाहिए, जिससे किसानों को कुछ हाथ मिले। जैसे ये तीन जो कानून थे, ये किसानों पर क्या हानि हो सकती है, जो कानून जो बनाए? देखिए, इससे क्या है, ये इनकी मोनोपोली है। जो बड़ा वर्ग व्यापारी का, जो दो चार इनके अपने व्यापारी हैं, वो इनसे पूरे लाभान्वित होंगे। किसान कभी इसको किसान को कभी इससे कोई मिला ही नहीं, कोई बेनिफिट किसान की तरफ हुआ ही नहीं। चौधरी साहब ने बहुत प्रयास किया शुरू से, चौधरी चरण सिंह ने पहले ये काम करा, अब चौधरी चरण सिंह से करा, हमारे नेता चौधरी जैन चौधरी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, किसान उनके साथ हैं,
और मेरा मानना तो यह आने वाला कल हर हालत में राष्ट्रीय लोकदल का होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, जो गरीब तबका है उस सबका होगा, और हमारे चौधरी साहब इन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मुझे सरकार तो जो है अपनी दिवस्ती सब कुछ दिवस्ती अपना आप किसानों से बनवाना चाह रही है। किसान बहुत दुखी है, फसल का रेट नहीं मिल रहा, गन्ने का कोई दाम आज तक बढ़ा नहीं, बिजली की इतनी दरें बढ़ा दी गई, किसान खुद परेशान है। बाउंडेशन जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि हम मीटर लगा रहे हैं ट्वेल्थ पे भी, भला कैसे किसान उसको सर्वाइव कर लेगा, नहीं कर सकता। मेरा मानना यह है कि चौधरी जी जो प्रयास कर रहे हैं, सभी समाज के लोग किसान लोग हैं चाहे वो किसी बिरादरी से हो, उनके साथ दिल से हैं और दिल से रहेंगे और उन्हीं में आस्था रखते हैं, क्योंकि वो सबके हित में है। ये आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या रालोद सपा से या बसपा से गठबंधन करेगा? देखो, इस बारे में कहना तो अभी कोई जल्दबाजी है, नेताओं का काम है, और अगर मौका हुआ तो मैं समझता हूँ शायद साथ मिलकर लड़ने में फ़ायदा भी है। बाकी तो हमारे नेता लोग अपना वो लेंगे, डिसीजन जो भी लेंगे वो मान्य होगा सबको। बागपत जनपद के बामनोली में हुई किसान पंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह का भड़काऊ बयान सामने आया है, जहां उन्होंने मन से युवाओं को भड़काने का इशारा करते हुए बयान दिया। चौधरी अजीत सिंह ने युवाओं से कहा कि इस सरकार को नष्ट करने में जुट जाओ, नहीं तो यह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इतना ही नहीं, चौधरी अजीत सिंह ने मंच से किसानों से अपील की कि वह बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करें। चौधरी अजीत सिंह ने अमित शाह पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपने सांसदों और विधायकों को किसानों को समझाने के लिए गांव-गांव जाने के लिए कहा है। उनके सांसद कृषि कानूनों के बारे में मुझे समझा दे तो मैं किसानों को समझा दूंगा। इतना ही नहीं, चौधरी अजीत सिंह ने 2009 में कांग्रेस के शासनकाल में बनाए गए कानून का हवाला देते हुए कहा कि मेरे कहने पर आप लोगों ने दिल्ली का घेराव किया था और हमने 24 घंटे में अपने कानून वापस कराए थे, लेकिन फिलहाल देश में अंधी बहरी सरकार है और पीएम के सीने में दिल नहीं है, जो शहीद हुए किसानों के लिए ट्वीट तक नहीं करते हैं। दरअसल दोघर थाना इलाके के बामनोली गांव में आज किसान पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें चौधरी अजीत सिंह ने शिरकत की थी। मैंने एक बात कही थी कि अमित शाह ने बीजेपी के एमएलए और सांसदों को और मिनिस्टर्स को कहा है गांव में जाओ और किसानों को समझाओ, और आपके सांसद तो कहते हैं कि सिर्फ 15 पढ़े लिखे आदमी हैं लोकसभा में, मैं भी एक हूं। भैया तू मुझे आके समझा दे, मैं समझा दूंगा। नहीं समझा सकते, हिम्मत नहीं है बोलने की। आपके समाज में तो ऐसे लोग होते हैं कि चिंता नहीं करते हैं, जो मन की बात होती है उठा देते हैं, लेकिन ये जो आपके समाज के लोग नौकरी कर रहे हैं इनकी हिम्मत आपके बारे में बोलने की नहीं है। बहिष्कार कर दो इसका, करोगे ना? करेंगे। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए दिल्ली पर चढ़ाई के संकेत दिए हैं। बागपत के बामनोली में पहुंचे राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि वो अपने ट्रैक्टरों में तेल डालकर तैयार रखें और संयुक्त मोर्चा की कॉल का इंतजार करें, क्योंकि देश में लुटेरे आ गए हैं जिन्हें दिल्ली से भेजना है और बिना दिल्ली का इलाज कर किसान दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने सरकार पर बड़े व्यापारियों से साठगांठ कर कानून बनाने से पहले गोदाम बनाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि या तो सरकार इन गोदाम को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो इन्हें तोड़ दिया जाएगा और छप्परों में तब्दील कर दिया जाएगा। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत आज बागपत के बामनोली में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे। आगे ये किसान आ गया, आती रात रात में आती दे दो, छोटू राम आ रहा, अगर आती नहीं मिलेगा तेरी विरासत को खत्म कर देंगे ये, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं बता दूं। तो वहां पे रात रात में आती दिया गया, उनकी सवारी निकली, 1.5 लाख आदमी जो किसान थे। दिल्ली की तरफ को जब भी कॉल हो ध्यान रखना कि आर पार की लड़ाई है 20 साल में, अगर इस आंदोलन में किसान हार गया तो 20 साल में आपके पास में जमीन ने नहीं बचने की, जमीन ने सब जाएगी, जमीन ने। इतने बड़े बड़े गोदाम बन गए कि जितनी यहाँ पे जितनी शुगर फैक्ट्री चीनी बना रही है ना, ये सारी चीनी एक का गोदामों।
चौक स्थित सपा कार्यालय पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट की अध्यक्षता में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए एवं संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं इस दौरान केक काटकर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, सपा जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी, जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल आदि अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। महान संत समाज सुधारक रविदास जी की जयंती है। आज से लगभग 640-642 वर्ष पूर्व आपका वाराणसी में जन्म हुआ था। बहुत लंबी आयु 125-130 साल तक आप जीवित रहे और मध्ययुगीन काल में जो बहुत अंधविश्वासी युग था, शिक्षा की कमी थी, आपने एक्सिस शिक्षित हो भी समाज सुधार का कार्य किया। आप संत कबीर के समकालीन थे। आपके लिखे हुए पद गुरु ग्रंथ साहिब का एक हिस्सा है। इतना बड़ा इनकलाबी काम रविदास जी ने अपने जीवन में किया कि जब तक मानवता रहेगी भारतवर्ष में, विश्व में रविदास जी के दोहे, रविदास जी के पद हमेशा गाए जाएंगे। आप अशुतोद्धार के, समाज में गैर बराबरी के, अशिक्षा के, अंधविश्वासों के, कुरीतियों के घोर विरोधी थे। आपने बहुत हजारों की तादाद में पद लिखे। आप भी कबीर के गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। मेरा भाई जैसी कवित्री आपकी शिष्या थी, तो आपने इस प्रकार का अपने समय में कार्य किया है। और आज उनकी जन्मस्थली पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उनकी जन्म तिथि पर मुख्य अतिथि हैं। ये समाजवादियों के लिए और गौरव की बात है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर समस्त समाजवादी कार्यालयों पर, मुख्यालयों पर संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और संत रविदास जी के जीवन से, उनके पदों से, उनके कार्यों से समाजवादी प्रेरणा लेंगे और समाज में सुधार लाने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ था। जनपद बागपत के गांव कोताना निवासी दुल्हा शोएब कुरैशी जब हेलीकॉप्टर से बारात लेकर कैराना में पहुंचा, तो यह हेलीकॉप्टर नगरवासियों की जिज्ञासा का केंद्र बन गया और हेलीकॉप्टर को देखने के लिए काफी संख्या में बड़े और बच्चे ग्राउंड में पहुंच गए। उसके बाद करीब 3 विदाई के समय इस हेलीकॉप्टर ने कैराना से कोताना के लिए फिर उड़ान भरी। विदाई के इस समय में सभी दर्शक भाव विभोर हो रहे थे। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से आने वाली बारात का स्वागत करने वालों में हाजी ममता कुरैशी आदि लोग उपस्थित रहे। बारातियों के ठहरने, नाश्ते व खाने का इंतजाम शामली रोड स्थित शुभ विवाह लगन मंडप में किया गया। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 को लेकर सभी अखाड़ों में ध्वजारोहण प्रारंभ किया जा रहा है। आज आनंद अखाड़े ने भारी साधु संतों के साथ अखाड़े में ध्वजारोहण कर महाकुंभ की शुरुआत की। शंकरानंद सरस्वती सचिव आनंद अखाड़ा ने बताया कि आज से ध्वजारोहण के पश्चात संतों का कुंभ शुरू हो जाता है। आज से ही सभी संत गंगा में स्नान करने लग जाएंगे। उसकी आराधना होगी, दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे और जब हमारे देवता के यहाँ प्रवेश होगा, रोज गंगा पूजन होगा, सुबह शाम आरती पूजा और साधु लोग अपना अपना भजन पूजन करेंगे और अन्न क्षेत्र चलेगा अपने साधुओं के लिए, भोजन इत्यादि व्यवस्था होगी। और साधु का मतलब गंगा किनारे आने का मतलब ये होता है कि आओ कुछ तपस्या करो। और हम लोग का जीवन तो ऐसा होता है कि साधु का जीवन एक सार्वजनिक जीवन होता है। साधु जो कुछ प्रार्थना करेगा, जो कुछ मनोकामना करेगा, वो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। और हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने जब भी कुछ मांगा है तो अपने लिए मांगते हुए ना, अपने राष्ट्र के लिए अपनी, तो पूरे विश्व के लिए हम लोग मांगते हैं। हम सारे विश्व की मंगल कामनाएं करते हैं, हम सारा विश्व के लिए शांति चाहते हैं।
और सारा विश्व सुखी बना रहे, सुखी बना रहे, ये हम लोग की प्रार्थना हुआ करती है। जबकि हम अपने लिए कुछ भी नहीं होता है, साधु जीवन एक सार्वजनिक एक पब्लिक प्रॉपर्टी जैसा होता है, साधु है अपने लिए होता ही नहीं है। हमारी पांच बार की पेशवाई निकलेगी, पेशवाई का मतलब है जैसे हमारे पहले सार्वजनिक थे, हमारी परंपरा है कि पूरे भारत में ये पैदल भ्रमण करते करते इस स्कूल से जैसे चारों जगह देश में कुंभ लगते हैं, हरिद्वार का कुंभ हो गया, यहाँ से फिर जहाँ का कुंभ आएगा उधर के शिविर लगाना, फिर अपनी तपस्या करना और अपने राष्ट्र के लिए विश्व के लिए। मीरापुर में नगर पंचायत के सभी वार्डों में एक साल पहले स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, रखरखाव के अभाव में अधिकांश लाइट खराब हो गई है, जिससे पंचायत में कुछ लाइटें जल रही हैं। वहीं इसकी शिकायत अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने की, जिस पर आज अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने आदेश दिया और तुरंत सभी लाइट ठीक करवाई। कस्बे वासियों ने क्षेत्र में खराब लाइटों को जल्द ठीक करवाने की गुहार लगाई। वार्ड वासियों ने बताया कि पूरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, मात्र दो लाइट ही जल रही है, जिससे रात को आने जाने में दिक्कत हो रही है। अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने तुरंत सभी लाइट ठीक कराई। बाजार में आने जाने वाले रास्तों में अंधकार छाया रहता था, जिससे कई बार अंधेरे में लोग चोटिल भी हो चुके हैं। कस्बे वासियों ने बताया कि वार्ड में पांच लाइट होने पर भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। नगर पंचायत से शिकायत करने पर भी खराब लाइटों को ठीक नहीं किया गया। रोड किनारे लगी स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी हुई है। लगातार इसकी शिकायत मिलने पर आज अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने संज्ञान लिया, जो लाइट खराब पड़ी थी उन्हें ठीक करने का आदेश दिया। वही जब अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर कहीं साफ सफाई ना हो रही हो, लाइट ना जल रही हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत सूचना दें। मुजफ्फरनगर के मीरापुर नगर पंचायत ने रैली निकालकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कस्बा मीरापुर में नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने रैली निकाली और लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि घर का कूड़ा इधर उधर न फेंकें। चेयरमैन मीरापुर तंजीला कुरैशी ने आज समस्त सभासदों व कर्मचारी गणों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत कस्बा में नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों के साथ स्वच्छता रैली निकाली। लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि घर का कूड़ा इधर उधर न फेंका जाए। शनिवार को प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर के आगे सीटी बजाकर कूड़ा उठाने के लिए नगर पंचायत के कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी व चेयरमैन मीरापुर तंजिला कुरैशी ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना किया। कर्मचारियों के पास दो तरह के कूड़ेदान रहेंगे, एक में सूखा और दूसरे में गीला कूड़ा डाला जाएगा। वहीं अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी व चेयरमैन मीरापुर तंजिला कुरैशी ने लोगों से अपील की कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सहयोग करें, नगर पंचायत मीरापुर को नंबर एक बनाने में हमारा सहयोग करें। कूड़ा सड़क पर ना फेंके, कूड़ा नगर पंचायत के कर्मचारियों को दें, सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डालें, सड़कों पर अतिक्रमण ना करें, गोबर नालियों में ना बहाएं, सड़क पर गाय भैंस बकरी ना बांधें। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी, चेयरमैन मीरापुर तंजिला कुरैशी व समस्त सभासदगण और समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सूचना पर अटैची चोर गिरोह के दो सदस्य पकड़े हैं और जबकि दो मौके से फरार हो गए। चोरों से नकदी, गहने और चोरी की बाइक सहित अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। शनिवार की सुबह रामराज पुलिस को सूचना मिली कि गांव पुट्टी इब्राहिमपुर निवासी नाजिम के मकान में अटैची चोर गिरोह के कई सदस्य चोरी के माल का बंटवारा कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की तो पुलिस को अत्यधिक दो चोर मकान की छत के रास्ते मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने दो चोरों को मौके से दबोच लिया। पुलिस ने दोनों के पास से नकदी और चोरी के गहनों सहित एक चोरी की बाइक और 315 बोर के तमंचे, चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों चोरों ने अपने नाम फरियाद पुत्र फरीद व दिलशाद पुत्र शाहिद निवासी पुट्टी इब्राहिमपुर थाना रामराज बताया। फरार चोरों के नाम आस मोहम्मद पुत्र रियाजुद्दीन व नाजिम पुत्र नजमी निवासी पुट्टी इब्राहिमपुर है। शिवजांचर शकील अहमद ने प्रेस वार्ता में बताया कि चारों आरोपितों ने एक दिन पूर्व दिल्ली से बिजनौर जा रहे बिजनौर निवासी कार चालक इरशाद से लिफ्ट लेकर उसकी पत्नी के सोने चांदी के जेवर व 30,000 की नकदी चोरी कर ली थी। आरोपितों के पास से चोरी की गई 30,000 की नकदी, कान के कुंडल, एक जोड़ी पैर की पाजेब सहित एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। आज रामराज पुलिस द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण सफलता उनको हाथ लगी है। रामराज पुलिस द्वारा जो है संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ चोर जो है एक मकान में जो है चोरी के माल का बंटवारा कर रहे हैं।
मुखबिर की सूचना में तत्काल पुलिस टीम वहां पहुंची। वहां पे जो है मौके से दो अभियुक्त जो है पकड़े गए, दो अभियुक्त फरार हो गए। जो फरार अभियुक्त हैं उनके भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई, तो वो उसमें एक आस मोहम्मद है जो कि जिला बदर भी रहा है और उसकी एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है उसकी। और जो दो अभियुक्त पकड़े गए उनसे जो है चोरी के माल बरामद हुए जिसमें 30,000 रुपये नगद हैं, दो 315 बोर के तमंचे हैं, 4 जिंदा कारतूस हैं, 2 जोड़ी पायल है और 1 जोड़ी कान के पीली धातु के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और दो जो अभियुक्त हैं उनके बारे में तलाश जारी है, जो फरार हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर क्षेत्र में संत शिरोमणि रविदास जयंती का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान गांव खानोपुर में जयंती मनाई गई, जहां हवन पूजन के उपरांत गांव में शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। वहीं संत रविदास की प्रतिमा भी स्थापित की गई। इस दौरान भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं गांव संधावली में भी संत रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें थाना उप प्रभारी कंवर पाल सिंह और बेगराजपुर चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह मौजूद रहे। मेरा नाम ओम कुमार है, मैं भीम आरपी पार्टी से। ओम कुमार जी बताइए, आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, कौन सी जयंती मनाई जा रही है? आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती मनाई जा रही है और साथ साथ में मूर्ति की स्थापना की जा रही है और भंडारा भी किया जा रहा है। किस तरह का खुशी का माहौल है समाज के अंदर कि मूर्ति स्थापना हुई है? मूर्ति स्थापना से पहले तो ये लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मूर्ति स्थापना बहुत ही अच्छे से करी गई है और दूसरा पूरे गांव में पूरे चहल पहल और कुछ कम हो। फिलहाल अध्यक्ष जी मंदिर का रविदास कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ कौन से गांव में कार्यक्रम किया जा रहा है? ये गांव सतावली जिला मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम होता है और 644वीं जयंती है गुरु रविदास जी की, शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती है और इसमें बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और ये समझो कि हम हमारे यहाँ आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्वक सब भाई साथ होते हैं, पूरा गांव साथ देता है इस चीज़ के लिए। और हमारे पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग है? पुलिस प्रशासन हमारी साथ है जी, बिल्कुल जरा सी भी दिक्कत नहीं है और प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करता है। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना कस्बे में संत शिरोमणि रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें अलग अलग गांव व स्थानों पर जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं रोहाना चौकी प्रभारी सतपाल सिंह द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गाँव मलीरा में रोहाना चौकी प्रभारी सतपाल सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जिसमें जयंती आयोजकों के द्वारा उनका फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी के चित्र और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने सभी को संत रविदास जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज और मानवता के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ रोहाना कस्बे में भी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवा मौजूद रहे, जहां डीजे की धुन पर सभी ने खूब नृत्य किया। शोभा यात्रा के दौरान रोहाना चौकी प्रभारी सतपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद नजर आए। मेरठ जनपद के थाना सरधना क्षेत्र के गांव सलावा में स्थित बालाजी मंदिर में शनिवार को वार्षिक संकट मोचन महायज्ञ का आयोजन विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर 5 यज्ञ कुंडों में यजमान बॉबी त्यागी, रजनीश त्यागी, अंकुश कुमार व पंकज राणा सह पत्नी मौजूद रहे। महायज्ञ से पूर्व भक्तजनों के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। बालाजी धाम के महाराज विक्रम सिंह ने सुंदरकांड का भावपूर्ण वर्णन करते हुए व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि सुंदरकांड करने से नकारात्मकता दूर हो जाती है, वहीं भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो वहीं भगवान राम भी उनकी स्तुति करने से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि कलयुग में हनुमान जी की स्तुति करने से सुख समृद्धि व मानसिक शांति से वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि सुंदरकांड का पाठ वैसे तो किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार व शनिवार को पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। कलयुग में हनुमान जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और उनका स्मरण करने से वह भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देते हैं। उनके स्मरण से अकारण किसी
कार्य में बाधा आ रही है या परेशानी होती है तो वह दूर हो जाती है। इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। आयोजन किया गया संकट सुंदरकांड, उसके बाद में सुंदरकांड के बाद में महायज्ञ का आयोजन करा, उसके बाद में प्रसाद वितरण करा, बड़ी बड़ी दूर से श्रद्धालु आए और बजरंग बली लोगों का उद्धार करें, लोगों के संकट कट है, यही बजरंग बली महाराज से प्रार्थना है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह व उनकी टीम की मुस्तैदी के चलते चरथावल में शांतिपूर्ण तरीके से संत रविदास जयंती का पर्व संपन्न हो गया। चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह ने कस्बा चरथावल में स्वयं पीएसी के साथ कोटेश्वरा चौकी क्षेत्र में चौकी इंचार्ज उमेंद्र सिंह व दधेड़ू चौकी क्षेत्र में चौकी इंचार्ज संजय राणा और हिंडन पुलिस चौकी क्षेत्र में चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया ने रविदास जयंती का पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराया। दरअसल चरथावल क्षेत्र में रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गयी। इस मौके पर अनेक प्रकार की शोभित झांकियों के साथ गांव में शोभा यात्राएं निकाली गई तथा संत रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से चरथावल क्षेत्र में पुलिस मुस्तैद नजर आई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव नगला राय में उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली जब गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजर रही रविदास जयंती शोभा यात्रा का प्रधान अफसरून के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने गर्मजोशी से फूल माला व पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के नगला राय गांव में उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हो गई जब गांव में संत रविदास जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा का प्रधान अफसरून के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोग हाजी मतलूब राइन, वासिफ राइन, साजिद, हाजी नफीस, यईस अहमद आदि ने गर्मजोशी के साथ फूल माला व पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इस दौरान संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा गाँव की गलियों से निकलते हुए रविदास मंदिर पर जाकर सम्पन्न हुई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में संत रविदास जयंती के अवसर पर अमित त्यागी के आवास पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। दरअसल चरथावल विकासखंड के गांव कुटेसरा में रविदास जयंती के शुभ अवसर पर अमित त्यागी के आवास पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें बिराल सिंह मंडल के अध्यक्ष ठाकुर विकास, अमित त्यागी, ठाकुर रामभूल सिंह, अरविंद त्यागी व पुंडीर खाप के मुखिया बबली राणा, मंडल उपाध्यक्ष सनी विश्वकर्मा, रविंद्र त्यागी, सुनील त्यागी आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल बीआरसी पर चल रहे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका समृद्ध हस्त पुस्तिका प्रिंट रिच मटेरियल और गणित किट पर आधारित प्रशिक्षण का समापन हो गया। दरअसल चरथावल बीआरसी पर 15 फरवरी से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्रिंट रिच मटेरियल और गणित किट पर आधारित प्रशिक्षण का समापन हुआ। अंतिम दिवस पर संदर्भदाताओं के द्वारा चित्र चार्ट सहित कहानी और कविता आधारित पोस्टर के कक्षा कक्ष में क्रियान्वयन के बारे में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को जानकारी दी। मौखिक भाषा विकास के लिए छात्र छात्रा को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति के अवसर देना आदि जानकारी साझा की गई। संदर्भदाता द्वारा वार्षिक सप्ताह और दैनिक कार्य योजना की चर्चा करते हुए साप्ताहिक समय सारणी को भी विस्तार पूर्वक कालांश और उसमें प्रति कालांश विभिन्न गतिविधियों के वर्गीकरण की जानकारी दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के हिंडन चौकी इंचार्ज मोहित तेवतिया ने दो वारंटी व चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए वारंटियों का चालान कर जेल भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे अपराधों की रोकथाम में अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह व उनकी टीम ने अलग अलग स्थानों से तीन वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में गोल्डन टेंट हाउस पर जमात इस्लामी द्वारा एक महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में महिलाओं को परिवार शिक्षित हो, जागरूक हो आदि उद्देश्य के प्रति जागरूक किया। दरअसल चरथावल कस्बे में जमात इस्लामी द्वारा एक महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बड़ी ही संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। गोष्ठी में महिलाओं को जागरूक करते हुए कमर जहां ने कहा कि सशक्त परिवार में
परिवरिश पाने वाला बच्चा आत्मविश्वास से भरा होता है। माता पिता उसे एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जागरूक कर उसकी हैसियत व पहचान बनाते हैं। मुस्लिम समाज एक ऐसी इस्लामी संस्था है जो लोगों को महिलाओं के अधिकार बताते हैं। आदर्श समाज की स्थापना के लिए महिलाओं को अधिकार हासिल नहीं हो पाते जो इस्लाम में दिए गए हैं। मरणोपरांत छोटी से छोटी दौलत का भी बंटवारा हो जाता है। भारत के मुसलमानों ने कुरान के आदेश को नजरअंदाज कर रखा है। समाज के लोग आज दहेज का आदान प्रदान करते हैं जबकि दहेज से इस्लाम का कोई संबंध ही नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद वकील है, मैं यहाँ जिला मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस तरह का प्रोग्राम औरतों का संपन्न हुआ है? असल में जमात इस्लामी ने ये मुहिम शुरू की है औरतों के हकूक बताने के लिए, उनमें उनका हिस्सा विरासत में कितना है और उनका मुकाम क्या है, ये मुहिम शुरू की है विरासत। तो महिलाओं को किस बारे में जागरूक किया जा रहा है? उनका उन हकूक कितने हैं, उनके इस्लाम ने कितने उनके उन्हें हकूक बताए हैं और किस मुकाम पर हैं ख्वातीन, औरतें किस मुकाम पर हैं, ये उनके हकूक बताने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। तो कहाँ कहाँ पर जागरूक किया गया है? ये पूरे भारत में ये मुहिम चली हुई है, पूरे भारत में जगह जगह 19 तारीख से और 28 तारीख तक ये मुहिम है, मजबूत खानदान मजबूत समाज इसके नाम से ये मुहिम शुरू की गई है। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में संत रविदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया जिससे बस्ती के अंदर किसी भी प्रकार का दंगा फसाद या किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्वों द्वारा खुराफात न की जाए। शेरकोट के अंदर रविदास जयंती में जुलूस भी निकाला गया। यह जुलूस अपने रास्तों से गुजरते हुए अपने स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में नौजवान युवा मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गाजियान मोहल्ले में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा किया है। यहां कस्बे में बड़े पैमाने पर अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और भारी मात्रा में यहां से बने पटाखों के साथ साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है जिसे अलग अलग शहरों में पटाखों की सप्लाई की जाती थी। खतौली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री से बरामदगी में 2 बोरे खाली नली, 10 पेटी पटाखा तैयार, 1 कट्टा रंग और 2 बड़े बोरे तैयार पटाखे व 1 छोटा कट्टा खाली नली का और 2 छोटे कट्टे तैयार पटाखे कलर युक्त, 1 छोटा कट्टा नली और अन्य सामान बरामद हुआ है। कल एक सूचना मिली थी कि कस्बे में कोई अवैध कलरफुल पटाखे बनाने की फैक्ट्री का दौरा किया जा रहा है, तो जान सकते रहे सही लोग गए मोहल्ला काजियार में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिनका नाम नदीम और शाहनवाज है। उनके पास से जो अधबने पटाखे होते हैं और कुछ बने हुए पटाखे वो मिले हैं। ये विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत की अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें यह देखा जा रहा है कि अगर वह कलरफुल आइटम्स हैं तो वो तो चल जाते हैं, लेकिन जिसमें पटाखा और जो जिसमें विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं वो सब इसमें नहीं आता है। इनको ये भी जानकारी दी गई, उसके बाद इनको इनसे बरामदगी की गई और इनको अग्रिम कार्रवाई मुकदमे लिखकर जेल भेजा गया। सर, कार्रवाई के दौरान क्या कुछ चीज़ें इनके पास से काफ़ी बड़ी मात्रा में कलरफुल पटाखे मिले हैं, उसको बनाने के मिले विस्फोटक सामग्री मिली है जिसको कि पटाखा बनाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर ये अन्य जगहों पर इसको सप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास में रूरल एरिया है। हो सकता है कि कहीं ये अच्छे बड़े शहरों में इसको सप्लाई करते हैं और उससे कोई हादसा हो सकता, तो ये पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क किया गया। सर, ये कलरफुल जैसे आप बता रहे हैं सर, कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये पटाखे? मुझे ऐसा लगता है कि जो होली के समय में कहीं पर जैसे कहीं पर जुलूस निकलते हैं या घरों में खेले जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर रहते हैं उसमें इनका मिसयूज़ ही होता है। पटाखों का मतलब जो आतिशबाजी से बनने वाले पटाखों से है, अगर कलरफुल रोल्स रहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जहाँ पर भी विस्फोटक सामग्री रहती है वो अनसेफ है और उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। जानसर तहसील क्षेत्र के गांव संभल हेड़ा तालड़ा महल की और अन्य कई गांवों में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 644वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। शनिवार को तहसील जानसर क्षेत्र के कई गांवों में संत शिरोमणि रविदास जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। गांव महल की में आयोजित रविदास जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष परवेंद्र भड़ाना ने किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास सर्व समाज के पूजनीय हैं क्योंकि संत रविदास ने सर्व समाज को ज्ञान देने का काम किया था। साथ ही उन्होंने यह भी संदेश दिया कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। यदि मनुष्य का मन साफ है तो उसे अवश्य प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। 27 फरवरी 2021 में ग्राम संभलड़ा में रविदास जयंती का आयोजन किया गया।
बाद में पूरे गांव में प्रभात फेरी झांकी निकाली गई जिस उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत तहसील खटीमा की यूपी सीमा पर बसे 17 मील गांव में आज उधम सिंह नगर एसएसपी ने आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए चौपाल का आयोजन किया। पुलिस की चौपाल में आए फरियादियों की अधिकांश समस्याओं का एसएसपी ने मौके पर निस्तारण करा दिया, साथ ही कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। सीमांत तहसील खटीमा की यूपी सीमा पर बसे 17 मील गांव में जिला उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुमार कुंवर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक चौपाल का आयोजन किया। द्वारा आयोजित चौपाल में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी सहित तहसील स्तर के समस्त विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने मीडिया को बताया कि पुलिस द्वारा आयोजित चौपाल में कुल 45 फरियादियों ने अपनी समस्याओं को उनके सम्मुख रखा, जिनमें 9 समस्याएं पुलिस विभाग से संबंधित थी जिनका मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। बाकी 34 समस्याएं जो अन्य विभागों से संबंधित थी उनमें से सबसे ज्यादा विद्युत विभाग से संबंधित होने के चलते मौके पर मौजूद विद्युत विभाग के एक्सीएन थे, उन्होंने इस समस्या को जल्द समाधान के लिए कहा है। यहाँ पर आज कुल मिलाकर के 45 शिकायतों जिन लोगों ने किया था, जिसमें से लगभग जो है 9 केस थे पुलिस विभाग से संबंधित, बाकी जो 30 केस हैं अन्य विभाग मैक्सिमम जो है आपके हरेली विभाग से संबंधित है। इन सारे केसों को वैसे इसमें लगभग हमें 30% केसों का निपटारा यहीं पर मौके पर हो गया है, जिनको लिखा पढ़ी करके संबंधित विभाग को हम दे रहे हैं। ये डीजीपी साहब के उन्होंने जनसंवाद का कार्यक्रम रखा, उसका ही मैंने हल्का सा इसकी तरफ व्यापक बनाने का प्रयास। ये संवाद का कार्यक्रम और ये चौपाल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है, और इसका उद्देश्य है कि सरकार आपके द्वारा यानी कि लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना जो पुलिस डिपार्टमेंट से है और उसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट से भी है, तो सभी डिपार्टमेंटों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छी चौपाल हो रही है। इससे लोग जो है जिन समस्याओं को लेकर जिनको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है या ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ता है उनके लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उनकी समस्याओं का यहीं पर समाधान होगा, चाहे वो बिजली विभाग से संबंधित हो, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है या कृषि विभाग से संबंधित है, आंगनबाड़ी बाल विकास यानी कि बिजली विभाग, जितने भी हमारे सिंचाई विभाग या पीडब्ल्यूडी सभी विभागों के लोग आए हैं, और हमारा भी ये प्रयास है कि इस प्रकार की जो चौपाल है उसमें अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो और मौके पर ही निस्तारण हो। शनिवार को बुढ़ाना तहसील में वकीलों, टाइपिस्टों और स्टाम्प विक्रेताओं ने संयुक्त रूप से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती मनाई और लड्डू बांटकर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान यहां पर अपने आयोजन में कराए गए इस कार्यक्रम में बार एसोसिएशन बुढ़ाना के पूर्व अध्यक्ष विनय बालियान एडवोकेट ने कहा कि आज उन्होंने यहां पर संत रविदास जी की जयंती मनाई है। महापुरुषों की जयंती मनाने की शुरुआत एसोसिएशन बार बुढ़ाना द्वारा बीते 2002 में शुरू की गई थी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन बुढ़ाना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार मलिक, अजय प्रताप सिंह, संजय त्यागी, फिरोज मंसूरी, मोहम्मद मियां एडवोकेट, आबाद एडवोकेट आदि मौजूद रहे। आज संत रविदास जी की जयंती थी और हमारी बार में परंपरा है कि कोई भी महान पुरुष जो इस देश में हुआ तो हम हर वर्ष उनकी हर महापुरुष की जयंती मनाते हैं। आज छुट्टी के कारण कम लोग आए, लेकिन फिर भी हमने जो लोग थे सबने प्रयास करके संत रविदास जी की जयंती का प्रोग्राम मना उनकी जयंती मनाई। कब से प्रोग्राम मनाते आ रहे हैं आप? ये बार ये मान के चलो कि 2002 में रजिस्टर्ड हुआ था हमारी बार बारिशन बुढ़ाड़ा के नाम से, तब से लगातार आज तक हम हर महापुरुष की जयंती मनाते हैं। सहारनपुर के देहरादून रोड पर स्थित बिजेंद्र पाल के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत चुनाव को लेकर वार्ड 47 पर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के विकास कार्यों का बखान करते हुए आगामी जिला पंचायत के चुनाव में जुटने का आह्वान किया गया। जिला पंचायत चुनाव को किस प्रकार जीतना है इसको लेकर चर्चा की गई, जिसमें महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि वार्ड 47 पर जिला पंचायत के चुनाव में सभी पदाधिकारी मिलकर ही जी तोड़ मेहनत करेंगे, जिसके लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। भाजपा के प्रत्याशियों को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। पार्टी सिंबल कमल का फूल जिसके पास होगा उसको जिताने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से जिला पंचायत चुनाव से संबंधित वार्ड 47 की बैठक थी। इस बैठक में जिला पंचायत चुनाव को किस स्तर पर हमें जाकर जीतना है
उसमें संगठन का क्या रोल रहना है। हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में इस वार्ड की सीट को जीतने का काम करने, कामकाजी बैठक में वो सभी ने मिलजुल के चुनाव एक दिशा में पॉजिटिव सोच के साथ, कैंडिडेट कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जिसके पास होगा हम सब उसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बुलंदशहर में महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत तेजस फाउंडेशन मेरठ द्वारा कठपुतली शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के द्वारा लोगों को यह संदेश दिया गया कि बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं है और न ही हमें करना चाहिए, दोनों को ही सम्मान शिक्षा और सम्मान मानना चाहिए। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी अशोक कुमार व तेजस फाउंडेशन मेरठ से अफाक चौहान, बबलू, सुनील, अनिल अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के गांव बसेड़ा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत रविदास जयंती का आयोजन बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया गया। यहां पर 3 दिवसीय संत रविदास मेले का भी आयोजन हुआ। पुरकाजी ब्लॉक प्रमुख निशित त्यागी के द्वारा इस मेले का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। मेला प्रबंधक नाहर, सचिव, पूर्व प्रधान धर्मवीर, महक सिंह, चरण सिंह, संजय, रामकिशन, तिलक राम आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस ने 28 फरवरी रविवार में होने वाली मेरठ में किसान महापंचायत को लेकर मीरापुर विधानसभा के गांव में दौरा किया। किसान महापंचायत को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। रालोद के बाद कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत एंट्री होने वाली है। आम आदमी पार्टी मेरठ में किसान महापंचायत की शुरुआत करेगी। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। विधायक हाजी यूनुस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करते नजर आए। तो वहीं शुक्रवार को दिल्ली मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस मीरापुर विधानसभा पहुंचे और 28 तारीख में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आने वाले काले कानून को लेकर रणनीति बनाई। यहाँ पर जो मैं आया था, जिस चीज को लेकर मैं यहाँ आया, जो किसानों की महापंचायत 28 तारीख को मेरठ में होने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसानों के साथ महापंचायत करेंगे, उसको लेकर मैं यहाँ पर आया। यहाँ जो मुझे इस गांव के लोगों का जो जोश व खरोश और जो इनका हौसला उसमें शामिल होने का देखा, इसको देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि गांव वालों ने वादा करा कि हमारे यहाँ से 2-3 बसें और 10-12 ट्रैक्टर जाएंगे। तो अगर हर गांव से जिस तरह से यहाँ से हो रहा है, अगर हर गांव से लोग इसी तरह जाएंगे तो शायद वो जो क्रांति की सरजमीन, जहाँ से ये क्रांति, इस देश में क्रांति आई थी, उस सरजमीन पर होने वाली रैली ऐसी रैली साबित होगी कि जो इन केंद्र में बैठे गूंगे बेरी सरकार को इस पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमने जो कानून ये बनाए थे तीनों, इन कानूनों को वापस लिए बगैर किसान मानने वाला नहीं है। इसी बात को लेकर मैं यहाँ पर आया था और मुझे मुजफ्फरनगर के गांव भंडोरा में गुरु रविदास जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यहां पर शांति के साथ नियमों का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के कुछ लोगों ने झांकी पर पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। रविदास मंदिर से यह शोभा यात्रा गांव के अन्य रास्तों से होती हुई वापस मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई, जिसमें गांव के सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।